आइटम नंबर 14 श्री अर्जुन मुंडा जी, हाँ रखे, मौका दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। हम उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अधीर रंजन जी, सर एट प्रेजेंट देयर आर 3 बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा एंड राज्यसभा रिलेटिंग टू इंसर्शन ऑन सर्टेन कास्ट एंड ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसका मतलब 3 बिल पड़े हुए हैं नाम जोड़ने के लिए और इससे बाहर रखने के लिए। नाउ अनदर बिल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट वी ऑलवेज डिमांड इज टू ब्रिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव बिल फॉर इंसर्शन एंड रिविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। हमारा मतलब यह है कि क्रम नहीं, व्यापक तरीके से आप लाइए। दी प्रेजेंट बिल, आज की जो बिल आप ला रहे हैं, ये यूपी के चुनाव के मद्देनजर उस समय लाया गया था, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते नहीं हुई। सो हमारी मांग ये है सर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट एक व्यापक तरीके से हो, इस तरह की क्रम की उपाय ना करके पीस मिल तरीके से ना हो, ये व्यापक तरीके से मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो, इसीलिए सर विरोध कर रहा हूँ। प्रश्न, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? अध्यक्ष महोदय ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये चुनाव हो चुके हैं, चुनाव ये एक औपचारिकता इस दृष्टि से कि ये पहले सदन में हो चुका है, अनुसूचित जातियां से अनुसूचित जनजातियां एज पर एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट इस बारे में सदन ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन जब इसकी नोटिफिकेशन हुई उस समय जिला का बंटवारा हो गया था, उन जिलों के बंटवारे को फिर से संशोधित करते हुए सदन में उन जिलों का जिक्र करते हुए यह प्रस्ताव लाया गया है, इसलिए इससे चुनाव से कोई संबंध नहीं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय इसको मैं पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पूरा स्थापित करें। मैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री अजय मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी।